सब की प्लानिंग कैसी हुई है उसके कर्मों से, मुझे जो सुख दुख भोगना वो भी अपने कर्मों से। लेकिन जो श्री कृष्ण की शरणागति हो जाते हैं फिर उनकी चार्ज कौन ले लेता है? कृष्ण खुद। फिर क्योंकि कृष्ण ने कहा योग क्षेम, फिर उनकी जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूं, फिर उनकी प्लानिंग मैं करता हूं, बशर्त वो भगवान को प्लानिंग करने दे। शरणागति का मतलब है कि जैसे भगवान चाहता वैसे हम जिए, ये होती शरणागति। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो जो भी देना है दे दे सरकार या दुनिया के पालन। हाँ, ये शरणागति है। और जो ऐसी शरणागति होती है भगवान उनकी सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं कि अब इसकी प्लानिंग कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि वो प्लानिंग करने देते हैं कि कृष्ण जैसे आपकी प्लानिंग, अगर आप ऐसे चाहते हो ठीक है मैं ऐसा रहूंगा, उसकी मेरी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं, अगर आप मुझे बेचना भी चाहोगे तो मैं खुशी से बिक जाऊंगा। इसे कहते हैं क्या? शरणागति। और जो इस तरह की शरणागति है कि अब ठीक है मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया, अब आप मुझे कैसे रखना चाहते हो, तो कृष्ण कहते हैं योगक्षेम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता कह रही है, प्रमाण से कह रहा हूं, योगक्षेम उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। क्या उनको जो जो चाहिए वो मैं देता हूं, क्यों? जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेकिन शर्त है गुरबाणी में यहां नानक दास, दास बोलेगा तो होगा, बॉस बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, आपको दास बनना पड़ेगा। नानक दास मुक्ते जो निकले यहां वहां सच, दास बनना पड़ेगा। दास मतलब जैसे मालिक चाहता है वैसे, जैसे मालिक चाहता है वैसे।